और दोस्तों कैसे हो। दोस्तों आज भी हम लोग आ गए आप लोग के लिए एक नई वीडियो लेके। दोस्तों आज भी हम लोग एक लड़की को ही रोस्ट करने वाले हैं। मैं नहीं चाह रहा था यार कि मैं इस बार कोई लड़की को रोस्ट करूं, लेकिन क्या करूं यार, लड़की लोग का टैलेंट इतना ज्यादा उभर के बाहर आ रहा है यूट्यूब पे कि मैं मजबूर हूँ। दोस्तों चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम लोग जिसको रोस्ट करने वाले हैं उसका नाम है सबा इब्राहिम। दोस्तों मैं तो इसे कुछ ज्यादा जानता नहीं, लेकिन कुछ महीनों से यूट्यूब के होम पेज पर इसकी वीडियो देख देख कर मेरे नाक में दम हो रखा है। दोस्तों सबसे पहले जो मुझे इसकी वीडियो दिखी वो थी भाई बने बार्बर हेयर कट एट होम। मतलब यार जावेद अभी भी सोचता होगा यार कि इसके पास ऐसा कौन सा टैलेंट है जो इतनी वीडियो इसकी वायरल हो गई। यार पहले तो मुझे हंसी आने लगी तो मैंने इसकी वीडियो इग्नोर मारा, फिर मैंने भी सोचा कि यार इसके पास भी कुछ ऐसे ही वाला टैलेंट होगा, तो गलती से इसकी भी वीडियो वायरल हो गई होगी। मस्त जोक मारा। लेकिन यार बार बार इसकी ही वीडियो मेरे YouTube के होम पेज पे आने लग गई, तो मैंने सोचा यार चलो यार अब तो चल के देख ही लेते कि क्या है इसमें और इनके चैनल पे किस टाइप की वीडियो देखता हूँ मैं। ईद व्लॉग, चांद रात, ईद डेकोरेशन, इफ्तार टाइम, थैंक यू मैसेज फॉर यू ऑल। मतलब यार लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं, सिर्फ घरेलू वीडियो ही बना रहे हैं। तो चलो अभी इसकी वीडियो देखते हैं। चलो भाई हैप्पी भी है क्योंकि आपने पिछले वीडियो को बहुत 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 सारा प्यार दिया, वो ट्रेंड कर रहा था। कुछ नहीं यार सिर्फ चूतिया बना रही है, दो मिनट रुको सब बताता हूँ। बोल में बेसन रखा है, उसमें मैंने नमक डाला है। अच्छा नमक, तो इसने कहा है कि नमक ज्यादा है। फिर नमक, नमक और मिर्ची डाल के फिर नमक। जैसे कि मैंने नमक पहले नहीं मिलाया था तो मैंने नमक अभी डाल दिया है। क्या मायला यार। दोस्तों इसकी पूरी वीडियो में नमक के अलावा कुछ और होता नहीं है, खाने से लेके इनके टूथपेस्ट में भी नमक है। अच्छा पक तो नहीं रहे हो ना वीडियो से? अरे नहीं एकदम नहीं पक रहे हैं, एकदम मजा ही आ रहा है, एंटरटेन ही एंटरटेन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आशीष चंचलानी की वीडियो देख रहे हैं। आओ दोस्तों इसकी एक और वीडियो देखते हैं। ट्राइड मेकिंग समोसा फॉर द फर्स्ट टाइम, हाउ टू मेक समोसा एट होम, व्यूज 1 मिलियन। ये वीडियो देखने के बाद तो संजीव कपूर भी सोचते होंगे कि ऐसा कौन सा समोसा बना रही जिसमें 1 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, मेरे तो 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने के बाद भी घंटा कुछ व्यूज नहीं आते। तो दोस्तों ये मैडम के तो 1 मिलियन व्यूज आते हैं, लेकिन लाइक घंटा 1 लाख तक भी नहीं पहुंच पाते। तो चलो अभी इसे क्लियर करते हैं, इसके जो व्यूज है सब फेक, लाइक फेक, सब्सक्राइबर फेक, यहाँ तक कि कमेंट तक भी फेक ही फेक है। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। ये देखो सेम कमेंट्स बैक टू बैक एक जैसे है, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। भाई एक जैसे कमेंट कौन बार बार करता है, ज्यादा नहीं ये मैडम को सिर्फ 2 महीने हो गए हैं यूट्यूब चैनल ओपन करके, और 2 महीने में इन्होंने 4 लाख सब्सक्राइबर्स बना रखी है, मतलब व्यूज पर व्यूज छाप रखी है। अच्छा चूतिया काट रही है लोगों का, और इन्हें पहले से ही पता चल जाता है कि इनकी वीडियो ट्रेंड करने वाली है, लो खुद ही सुन लो। और भाई भाभी वीडियो ट्रेंड कर रहा है तो उसके लिए भी कुछ बोल दीजिए। पेशेंस बहुत जरूरी है, आप एक दिन में स्टार नहीं बन सकते, आप एक नाइट में स्टार नहीं बन सकते, मेहनत बहुत लगती है, एंड हो सकता है आपकी एक वीडियो वायरल हो। तो दोस्तों YouTube ने भी अब ये बता दिया है कि यहाँ पे सिर्फ पैसे वालों का काम है और सिर्फ पैसे का ही काम है, असली स्ट्रगलर की यहाँ पे कोई इज्जत नहीं है, अगर आप इसे पैसा दोगे तो ये आपकी वीडियो ट्रेंडिंग पेज पर भी लेकर आ जाएगा। यार दोस्तों ये सब देखने के बाद में मुझे बहुत बुरा लगा, और आज से मैंने ये फैसला किया है कि मैं आज से YouTube छोड़ रहा हूँ। यार दोस्तों मजाक कर रहा हूँ, ये लोग जो है ना वो लोग कोरोना के लॉकडाउन के जैसे है, लॉकडाउन होते बरोबर नजर आने लगेंगे और लॉकडाउन खुलते बरोबर गायब हो जाएंगे, इसलिए YouTube को भी पता है कि कौन असली है और कौन नकली। और ये सब वीडियो देख देख के एक और एक आंटी आ गई है जिसका नाम है रत्ना राजपूत। यार राजपूत सुन के तुम लोग ये मत सोचना कि ये बहुत बड़ी रानी महारानी है, और इनको भी सिर्फ 2 महीने हो गए हैं यूट्यूब पे आए हुए, और व्यूज मिलियंस में है, और टॉपिक क्या है, संडास, बर्तन कैसे धो इन लॉकडाउन, मच्छरदानी में कैसे सो इन लॉकडाउन, बस यही सब बकवास कंटेंट मिलेंगे तुम्हें इनकी वीडियो पे। और इनकी वीडियो देखता कौन है, गैस करो गैस करो। आ,
पकड़ी गई ना चोरी अभी, देखा यार? क्यों ना देखे, क्यों ना देखे बताओ ना, दोनों एक साथ तो पैसा लगा रही है यूट्यूब पर। दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही। आप में से जितने लोग मुझे पूछ रहे थे कि यार शायद इनके वीडियोस पे इतने व्यूज कैसे आते, कि तेरी वीडियोस पे क्यों ऐसे नहीं आते, कि तू भी तो अफ्तारी वाली वीडियो बनाते, भाई हम भी तो अफ्तारी वाली वीडियो बनाते लेकिन हमारे वीडियोस पे क्यों नहीं व्यूज आते हैं, लेकिन यार हम पैसा नहीं लगाते, ठीक है? तो जिन लोग मुझे पूछ रहे थे तो बस इसका ये आंसर था। तो मैंने सोचा कि चलो यार ऐसा ही आप लोगों को क्लियरिफाई हो जाए कि ऐसा क्यों होता है क्यों नहीं होता है। तो बस आप लोग के लिए बस इतना ही था। आप लोग के ऊपर यार, आप लोग भी अगर यूट्यूब पे आना चाहते हो तो आ सकते हो यार, पैसा लगाओ कैसे भी लगाओ, या मेरे जैसा मेहनत करो, दो दो साल करते रहो, तीन तीन साल करते रहो, कुछ नहीं मिलेगा, बस इतनी लगाते रहो। तो बस यार आप लोग से बस इतना ही करना था और इतना ही आप लोगों को बताना था। और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोग कमेंट करोगे ना तो तभी मुझे समझ में आएगा कि मेरी वीडियोज़ कैसी थी। मुझे पता है मैं वो थकला रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ कमेंट कर देना और शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए बहुत जल्दी मैं लेके आऊँगा।